तो ये है कच्चा गैंग, जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुश्मन है। एंड वो हमें मारने दौड़ते रहते हैं एंड हम उन्हें मारने दौड़ते रहते हैं। बट तो कुछ दिन पहले उन्होंने हमारा बेस उड़ा दिया था, और बदले में हमें क्या करना चाहिए, उनका बेस उड़ाना चाहिए। पर उसके लिए मैं बहुत आलसी हूँ, पर मुझे आलस आ रही थी कि मैं बेस उड़ाऊँगा, तो इसलिए मैंने बना दिया ये। ओके गाइस, तो इधर मैंने ये चीज़, तो तुम में से काफी बंदे सोच रहे होंगे कि मेरे पे इतने हार्ट्स किधर से आए, मतलब मैं पूरा इमॉर्टल हो चुका हूं। तो इसके लिए तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो स्टोरी कुछ ये है कि हमारे गैंग में आए दो बंदे, एक था गेमर जैज और दूसरा था पीएल ब्राइन। तो बात करते हैं गेमर जैज की, तो वो था एसजी गेमर का सौतेला भाई, नहीं गोतेला, नहीं 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 वो था एसजी गेमर का आईआरएल ब्रदर। तो वो बहुत सीधा साधा आदमी है शायद से, एंड वो लिटरली कुछ भी नहीं करता। बट बात करते हैं पीएल ब्राइन की, तो मतलब वो ना संकी इंसान है। एंड मैं मेज बना रहा था तभी वो कब का भाई कुछ कर ही जा रहा है, नेदरक लगाया जा रहा है, स्टोन ब्रिक तोड़ रहा है और थोड़े बहुत बदतमीजियाँ कर रहा है। तो मैंने कुछ उसको उल्टा सुलटा भेड़ दिया। मैं उसे बोला कि अबे लुंगड़ी के, तेरे से कुछ हो तो रहा नहीं, तू हेल्प नहीं कर रहा, तेरे को ऐसे ही आर्मर दे दिया, तू कुछ ज्यादा ही चौड़ में आ रहा है। तो फिर उसको आ गया गुस्सा एंड वो बोलता है आ जा वन वी वन। तो ऑब्वियसली तुम्हारा भाई ने उसको पीवीपी में हरा दिया एंड मैं उसको ऑलमोस्ट बैन ही करने वाला था, उसके मैंने 5-6 हार्ट्स ले लिए थे। देन वो कॉम्बैट लॉक करके चला गया एंड मैं कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था भाई, एक तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। तो मैंने उसको उड़ा दिया एंड देन एसजी मेरे को रोक लेता है, वो तो वरना मैं उसको मार ही देता। बट तुम में से काफ़ी बिग ब्रेन वाले बंदे बोलेंगे भाई इससे तो 10 ही हार्ट्स मिलेंगे तेरे को ज्यादा से ज्यादा, उसमें भी तूने इसको बैन नहीं किया। तो मैं इस मोमेंट में डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि मेरे पे ये हार्ट कैसे आए, पर मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा, तुम तब तक वेट करो यार। अभी के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ये टोटका है दोस्तों। ये चीज तो बना दी है, आई नो ये बाहर से बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रहा है पर अंदर से ये पूरा ठीक हुआ पड़ा है। एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द गेम। तो ये है एक मेज़, ठीक है, इसमें तुम्हें आते ही दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट। अगर तुम राइट जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इधर ऐसे जाओगे तुम तो तुम्हें लिटरली इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा एरिया खाली है। पर अगर तुम जाते हो लेफ्ट की तरफ को, क्योंकि राइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, तो इधर तुम्हें दो और रास्ते मिलेंगे। पर इधर तुम लेफ्ट की तरफ को जाते हो तो कुछ नहीं है, एंड इधर अगर तुम राइट की तरफ जाते हो तो तुम्हें मिल जाएगा ये क्राइंग ऑब्सीडियन। एंड यू नो ये क्राइंग ऑब्सीडियन बहुत ही ज़्यादा सस है क्योंकि इसके जस्ट नीचे एज यू कैन सी इधर कुछ ज़्यादा ही बारूद पड़े हुए हैं, इधर है पूरी की पूरी 8 माइन कार्ट्स, वो भी TNT के साथ, ठीक है। तो मतलब पूरा बंदा उड़ ही जाएगा अगर किसी ने ढूंढ लिया। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ ये स्कैम गेम क्या है। तो मैं पहले किसी भी बंदे को इधर बुलाऊँगा एंड उससे चार्ज करूँगा पूरे के पूरे 2 हार्ट्स, जिससे वो बंदा स्कैम हो चुका है गेम के शुरुआत में ही। और जैसे ही वो मेज़ के अंदर कदम रखेगा उसे मिलेंगी पूरी की पूरी 10 सेकेंड वो क्राइंग ऑब्सीडियन ढूंढने में। अगर वो राइट की तरफ को जाता है तो वो 10 सेकेंड उधर ही वेस्ट कर देगा, पर अगर वो लेफ्ट की तरफ लकीली चला जाता है तो उसे ये ऑब्सीडियन मिल जाएगा, जिसको तोड़ते ही भाई वो फूट जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे धमाका हो जाएगा। तो अगर मैंने 10 सेकेंड इसलिए लगी है क्योंकि मेरा ट्रैप भी तो वेस्ट नहीं होना चाहिए ना भाई, अगर वो
गेम जीतता है, जो कि वो डेफिनेटली नहीं जीतेगा, तो उसे मैं दूंगा 5 हार्ट्स, पर वो जीत ही नहीं पाएगा क्योंकि इधर है ये क्राइंग ऑब्सीडियन जिसे तोड़ते ही धमाका हो जाएगा, और बाय चांस अगर वो बंदा नहीं मरा तो इतना बड़ा मैं तो खड़ा हूँ भाई, मैं उसे मार दूँगा। ये स्कैम गेम बहुत ही ओपी है एंड ये स्पॉन से कुछ 100 ब्लॉक्स दूर बना, ये किसने किया भाई। तो कोई भी स्कैम गेम करने से पहले मैं अपना पूरा ना हिसाब किताब चुकता करना चाहता था, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। एंड या ये क्लिप आधी अधूरी है क्योंकि जो इसके पहले की क्लिप थी वो करप्ट हो गई एंड उसमें मैंने टेक को मारा है एंड उसने एक बार कॉम्बैट लॉग किया एंड दूसरी बार वो मेरे हाथों से मर गया। वो तो उसका स्पॉन पॉइंट उधर सेट नहीं था, वरना मैं मार देता, बैन ही कर देता, पर उसको उस हिसाब से मुझे 2 हार्ट्स देने चाहिए। यू नो व्हाट, इधर जस्ट टेक आया और कॉम्बैट लॉग करके चला गया भाई। आई थिंक मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी शायद, कॉज क्रैश हो गई भाई रिकॉर्डिंग। एंड उसको मुझे 9-10 हार्ट्स भाई, थोड़े बहुत हार्ट्स तो उसे देने ही चाहिए मुझे। लॉल, ये एडवांसमेंट मुझे अभी क्यों मिल रही है, शायद मेरा नया अकाउंट है इसलिए। लैपिस लजूली नहीं चाहिए मुझे, मैं क्यों ले रहा हूँ। खाना बहुत सारा दे दो मुझे। ओके दिस इज इनफ आई थिंक। और क्या चाहिए। कमॉन, इस बेस का काम अभी ख़त्म हो चुका है। चंपा इज द गाय मैन, चंपा इज द गाय। व्हाट द हैक, ये अभी भी फूट ही रहा है। ओके दिस इज व्हाट द रॉन्ग थिंग हैपेंड। आई थॉट वो फूट गया, बट दैट डजंट लॉन्ग लास्ट। Come on. Yeah, I like it. Why are you guys here?